What's up, my YouTube family? कैसे हो सब लोग? This is your friend Ash, all the way from Jalandhar, Punjab. Your all-time Musclemania India champion 2019, all-time natural. I love to say this because मुझे अच्छा लगता है ये बताना, क्योंकि this is my recognition, यही मेरी पहचान है. I'm going to compete in Musclemania Asia soon, जब तक उसकी डेट आ जाएगी. But उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ 5 मिस्टेक्स दैट वी ऑल मेड. हम सब ने वो गलतियाँ करी हैं, सो जल्दी जल्दी वो कवर करते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. एंड सबका टाइम भाई प्रीशियस है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम. और गाइज, नंबर 1 मिस्टेक इज़ आप पुलअप्स और पुशअप्स को अवॉइड करते हो, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है. पीपल थिंक कि वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है. लेट्स नॉट डू इट, क्योंकि बहुत सारी और एक्सरसाइजेस दिखती हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. बट प्लीज़ 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 डू नॉट इग्नोर पुलअप्स. इट गिव्स योर स्ट्रेंथ, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, आपके बैक, आपकी से विड्थ अच्छी आती है बैक की, एंड यू आइसोलेट मोर मसल्स इन योर बैक व्हेन यू डूइंग पुलअप्स. सेम विद द पुशअप्स, जब आप पुशअप्स करते हो यू रिक्रूट मोर मसल फाइबर्स देन एनी अदर यू नो एक्सरसाइज. जब हम छोटे होते थे वी यूज़ टू डू लॉट ऑफ पुशअप्स. कुछ लोग तो पुशअप्स करके ही ग्रो कर जाते थे, उनकी चेस्ट बहुत अच्छी ग्रो हो जाती थी. एंड अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो सोच के कि यार वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, लेट्स नॉट डू इट. अगर आप उसको सही तरीके से करोगे, पुशअप्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर चेस्ट. ऑल राइट गाइस, द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी ऑल थिंक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. नॉट जस्ट वन एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं. जब आप एक अपना वर्कआउट कस्टमाइज करते हो या खुद लिखते हो, आप उनमें से बेसिक एक्सरसाइजेस निकाल देते हो, क्योंकि वो आपको डिफिकल्ट लगती है. जस्ट लाइक ओवर हेड शोल्डर प्रेसेस, खड़े होकर शोल्डर प्रेसेस करने, बहुत ही ऑसम एक्सरसाइज है फॉर योर कोर, फॉर योर शोल्डर्स, फॉर आप अपनी लेग्स पे खड़े हो एंड यू आर डूइंग ओवर हेड प्रेसेस. दिस इज़ अ मेन कमांड मूवमेंट फॉर योर शोल्डर्स एंड योर चेस्ट, योर बैक, सब वर्क करते हैं इसमें, आपका कोर वर्क करता है. डू नॉट इग्नोर योर ओवरहेड प्रेसेस, डू नॉट इग्नोर योर डेडलिफ्ट्स कम्प्लीटली. फ्लैट बेंच प्रेसेस और इंक्लाइन बेंच प्रेसेस को इग्नोर ना करें, क्योंकि वो हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं. प्लीज़ 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 अपने वर्कआउट को ऐसे कस्टमाइज करें कि वो वाली एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व रहें. एंड एट द लास्ट आई वांट टू से स्क्वाट्स, द मेन इज़ बारबल स्क्वाट्स. डू नॉट स्किप बारबल स्क्वाट्स, उसके बिना आपका लेग वर्कआउट कम्प्लीट नहीं है. ट्रस्ट मी गाइज, प्लीज़ 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 डू. नेक्स्ट इज़ आप जब आप प्रोग्रेस करते हो, जब आप सोचते हो कि हाँ मैंने 100 किलो की बेंच प्रेस लगाई थी, आप एकदम से 120 किलो की बेंच प्रेस पर चले जाते हो, बहुत ज़्यादा बिग जंप हो जाता है वेट्स में. इतना ज़्यादा बिग इंक्रीमेंट करना इज़ नॉट राइट. आपके रेप्स कम हो जाएंगे एंड आपकी आपसे वो जो सेट है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा. सो आई वॉन्ट टू से, अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, अगर आपको जंप्स करने हैं, आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, उसका एक सही तरीका है करने का. अगर आपकी 100 किलो वन रेप मैक्स है, तो अगर आपका अगला जो सेट है उसको 105 किलो पे करें, ना कि सीधा 120 या 130 किलो पे ले जाएं. आपकी बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा जंप हो जाता है. 10 किलो भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ा जंप है. अगर आपको जंप करना है तो 5 किलो से स्टार्ट करें. अगर आपके जिम में छोटी प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं और 2.5 की प्लेट्स हैं, वो वाली प्लेट्स यूज़ करें, ज़्यादा जंप्स ना करें. वो हर एक हफ्ते में वो बोले छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स ऐड ऑन करके ही 120 किलो तक पहुंचोगे. सीधा ही 120 किलो की जंप पे मत आ जाएं. यू कैन हैव इंजरी, आप इंजर्ड हो सकते हो, आपकी फॉर्म ख़राब हो सकती है, आपके रेप्स कम हो सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन बी हैपन. सो प्लीज़ डोंट इंक्रीज द वेट इन अ बिग जंप. छोटा सा इंक्रीमेंट इज़ टोटली फाइन. ऑलराइट गाइस, द नेक्स्ट मिस्टेक वी ऑल डू, हम सब ने करी है, वो हम करते रहे हैं. ओनली डूइंग 5-6 रेप्स. भाई 5-6 रेप्स से यू कैन बिल्ड स्ट्रेंथ परफेक्टली. ओके, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो सकती है, नो डाउट. बट अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है, यू नो, टू बिल्ड अ मसल क्वालिटी लीन मसल्स, देन 5-6 रेप्स इज़ अ बिग नो. प्लीज़ डोंट गो फॉर 5-6 रेप्स. आपको मिनिमम जो है 8-10 रेप्स चाहिए, और उस 10 रेप्स को आप 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स में कंप्लीट करें. फटाफट ना उसको कंप्लीट करें, एक सेट को 30 सेकेंड में कंप्लीट करें. ऑब्वियसली वो ऐसे कंप्लीट होगा जब आप उसको स्लो असेंट्रिक्स में ट्रेन करोगे. आप अपना नेगेटिव कंट्रोल करके लेके आओगे, 3 सेकेंड ऑन द वे डाउन एंड 1 सेकेंड ऑन द वे अप. सो 10 रेप्स इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स टू 35 सेकेंड्स. डू इट लाइक दैट, यू विल फील मच बेटर, यू विल गेन लीन मसल मास. 5-6 रेप आप
ओकेजनली लगा सकते हो कभी कभी, बट नॉट एवरी डे ऑन योर डेली रूटीन. और गाइस द नेक्स्ट वन इज़ योर लास्ट फिफ्थ मिस्टेक वी ऑल मेड. मैंने भी गलतियाँ करी हैं और सीखा है उनसे. बहुत ही बड़ी मिस्टेक है ये वाली भी. नॉट बींग सो कंसिस्टेंट. सोचना कि भाई कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट होने से क्या होता है, ये वाला मील वहाँ पे खा लूँगा, ये वाला वहाँ पे खा लूँगा, ऐसे नहीं होता है. मेक श्योर आपके जो मील्स टाइमिंग्स हैं जो वो इन ऑन पॉइंट है, आपका स्लीप पैटर्न ऑन पॉइंट है. अगर आप 11 बजे सोते हो तो प्लीज़ स्लीप एट 11 PM. अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 1 बजे सो जाता हूँ आज, कल जल्दी उठ जाऊँगा, दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल इन योर रिकवरी. यू नीड अ गुड स्लीप ऑल्सो. स्लीप एट द सेम टाइम पैटर्न एंड देन आपके जो मील्स हैं वो भी कंसिस्टेंट होने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि कार्ब्स कंसिस्टेंट होने चाहिए. कार्ब्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्योंकि आप कार्ब साइकिलिंग करोगे. सम डेज यू आर ऑन हाई कार्ब्स, सम डेज यू आर ऑन लो कार्ब्स. बट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू टेकिंग योर प्रोटीन इनटेक ऑन टाइम ईच टाइम. लाइक 8 AM एक पहला मील, फिर 11 बजे एक मील, फिर 2 बजे एक मील, 5 बजे. वो मील का जो टाइमिंग है वो ख़राब ना करें क्योंकि दैट गिव्स यू अ राइट कंसिस्टेंसी एंड गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट्स. ऑल राइट गाइज, आई होप यू गाइज लाइक दिस 5 mistakes वी ऑल मेड. I wanted to cover all this. Thank you so much. Do take care of yourself and your mother because she loves you the most, man. All right.